ऑलराइट तो फाइनली इस लोकी की बेरंग सी जिंदगी में हमारे पोलार्ड भैया की एंट्री हो चुकी है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें एपिसोड 3 को लेकर स्पॉइलर्स होंगे क्योंकि हम लिटरली ब्रेकडाउन कर रहे हैं। लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 देखने में काफी मजेदार था क्योंकि इसने हमें सीजन 3 को लेकर एक्चुअली में बहुत सारी इनसाइट्स दी हैं, लेकिन वो तभी समझ में आना शुरू होंगी जब हम इन पे ध्यान देंगे। ये फेड इनटू द बैकग्राउंड वाली चीजें जो बस कहने और सुनने में निकल जाती हैं और हमारा इन पे ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं होने वाली आप लोगों को क्योंकि भाई आया है और हर एक चीज पे ध्यान लेके जाएगा आपका। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें मार्वल की नई थीम सुनने को मिलती है, कार्निवाल वाले फैशन में थी। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं ऐसा क्यों है क्योंकि इस पूरे एपिसोड में पूरे के पूरे कार्निवाल वाली थीम है। और यहां पर हम रेवोना रेंसलेयर को देखते हैं पहली बार, जो कि पहुंच चुकी है सेक्रेट टाइमलाइन के 1868 ईयर में। अब इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये सेक्रेट टाइमलाइन में आई है, ब्रांच टाइमलाइन में नहीं। और जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो पहले तो हमें ब्लैकस्मिथ का घर देखने को मिलता है, तो मुझे इनिशियली लगा कि ये सब कुछ इसी से कनेक्टेड होगा, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, जिस खिड़की से ये एक्चुअली उस हैंडबुक को ड्रॉप करती है वो इस ब्लैकस्मिथ के घर के सामने वाला घर है। उसे मिस मिनट्स पूरी तरह से गाइड करती है और इनके अकॉर्डिंगली ही हू रिमेन्स ने इसको ये काम सौंपा था, विच मीन्स कि मरने के बाद भी ये भाई साहब अपने मकसदों को पूरा करने में लगे हुए हैं, जो कि क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के अंदर एक बच्चा विक्टर टाइमली कुल्फिया जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसके दरवाजे मतलब खिड़की पे एक्चुअली टीवीए की ऑफिशियल हैंडबुक गिर जाती है, जो एक्चुअली में काफी सारी चीजों को समझाना शुरू कर देता है। मतलब इन अ वे ही हू रिमेन्स ने मिस मिनट्स को एक काम सौंपा ताकि वो विक्टर टाइमली को टाइम और उसे कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में सिखा सके। अब इसके पीछे ही हू रिमेन्स का क्या एजेंडा होगा इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टीवीए में अभी भी संकट बढ़ा हुआ है। हालांकि वो प्रून करने की वजह से लूम थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, लेकिन फिर भी ये लोग अगर उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे तो ये सारी की सारी जो ब्रांचेस है एक बार फिर से बनने लगी हैं और ये पूरी तरह से तोड़ करके फट के बाहर निकल जाएंगे, विच कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर ठीक ही है ना, ब्रांचेस फट के सारी की सारी बाहर निकल जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। तो ही हू रिमेन्स ने लूम बना करके एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट करी हुई, नहीं तो उससे पहले तो मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता ही होगा ना। इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हमें बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था कि अगर ये टाइमलाइंस बनती जाएंगी तो इसमें ही हू रिमेन्स के अलग अलग वेरिएंट क्रिएट होते जाएंगे, और अलग अलग वेरिएंट क्रिएट होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो सारे के सारे वेरिएंट एक ना एक दिन आपस में लड़के एक मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत करेंगे, जिसको ही हू रिमेन्स प्रिवेंट करना चाहता था। इनडायरेक्टली अगर इन लोगों ने उस लूम को एक्सपैंड नहीं किया तो ये फटेगा और मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बारे में ही हू रिमेन्स बात करता है मरते टाइम जब पोलार्ड भैया कहते हैं A lot of me are coming. Get ready. और इनके इस अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो काउंसिल ऑफ कैंग्स का क्या है, फिर वो सब तो ऑलरेडी पैदा हो ही चुके हैं ना, तो मल्टीवर्सल वॉर होना तो इनेविटेबल है। तो हाँ, इनेविटेबल है, लेकिन लूम की वजह से वो फिर भी कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब इतने सारे वेरिएंट्स क्रिएट नहीं हुए हैं। अगर ये लूम फट जाएगा तो उसके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग टाइमलाइंस में इतने सारे वेरिएंट्स क्रिएट हो जाएंगे कि जिनको रुकना इम्पॉसिबल है, और शायद से फिर इनकर्जन वाला सीन भी पैदा होने लगेगा जिस पे हम आगे के एपिसोड्स में बात करें। लेकिन रेवोना को ट्रैक करते करते लोकी और मोबियस भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार वो 1868 में नहीं बल्कि 1893 में है। और यहां पर नोटिस करने वाली चीज है कि जब ये आप पहुंचे हैं तो ये ब्रांच टाइमलाइन बन चुकी है, सेक्रेट टाइमलाइन नहीं है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में, रेवोना पहुंची 1868 में सेक्रेट टाइमलाइन में, और जैसे ही उसने विक्टर टाइमली को वो हैंडबुक दी उस मोमेंट वो सेक्रेट टाइमलाइन से एक ब्रांच टाइमलाइन बन गई, क्योंकि दैट वाज नॉट मेंट टू हैपन, और इसी वजह से ये विक्टर टाइमली एक वेरिएंट है। और यहां पे लोकी और मोबियस के पीछे दरवाजे के ऊपर 157 लिखा, हो सकता है कि थॉर के इशू 157 की तरफ इशारा हो, जिसमें लोकी भी मौजूद होता है, थॉर मैंगोक से फाइट कर रहा होता है, और जैसे ही लोकी को पता चलता है कि फाइट हो रही है तो कट लेता है वहां से एकदम। इसके बाद हमें शिकागो का मिडवे लाइसेंस फेयर दिखाया जाता है, ये फेयर एक्चुअली में रियल लाइफ में भी लगाया जाता था। इसमें दुनिया का सबसे पहला जायंट व्हील दिखाया गया था, मतलब इस शो में हमने जो जायंट व्हील देखा है वो दुनिया का सबसे पहला जायंट व्हील है, ऑल्दो ब्रांच टाइमलाइन में सही, लेकिन है तो वही। अब मजे की बात यह है कि लोकी से मोबियस कहता है कि अगर देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा, लेकिन वो खुद ही देखने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर वो देखने की कोशिश करता तो यहां उसको बहुत पहले मिडवे गोस्ट क्लॉक लिखा हुआ है वो दिख जाता, और वो समझ जाते कि मिस मिनट्स यहीं पर है। लेकिन हां, फिर उनको एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें हमको आर्टिकल देखने को मिल जाता है, मिस मिनट्स जो है वो टेररिज कर रही है लोगों को भूत बनके। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे वर्ल्ड्स फेयर होटल लिखा हुआ है, जो कि शिकागो लेकर एक बहुत ही बढ़िया सा ईस्टर एग है। ये एचएच होम्स नाम के एक सीरियल किलर की बात कर रहे हैं, जिसको इस शो में मेंशन भी किया गया है। बंदा एक बहुत ही फेमस सीरियल किलर है, हो सकता है अमेरिका का सबसे पहला हो, और उस टाइम पर इसने 27 लेडीज को अनअलाइव किया था।
इसी होटल में ले जाकर। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा सीन आता है जिसमें हमको थॉर, ओडिन और बाल्डर तीन नॉर्स गॉड की स्टैच्यूज देखने को मिलती है। लोकी उनको देख के कहता है कि तो बिल्कुल इनएक्यूरेट है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये सच में थोड़े एक्यूरेट तो है। मतलब थॉर क्रिस हेम्सवर्थ जैसा लग रहा है और उसकी कॉस्ट्यूम में भी जो ऐसे गोले गोले बने रहते हैं वो भी है। फिर इसके बाद ओडिन जो है वो एंथनी हॉपकिंस से भी काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। लेकिन जो तीसरी स्टैच्यू को देखकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, वहां पर लोकी की जगह बाल्डर मौजूद है। बाल्डर नॉर्स माइथोलॉजी में ओडिन का ही बेटा और थॉर का भाई होता है, लेकिन हमने एमसीयू में अभी तक बाल्डर को नहीं देखा। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद एमसीयू में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इन लोगों ने बाल्डर का एक कैमियो प्लान किया था जिसको डैनियल क्रेग प्ले करने वाले थे, तो हो सकता है कि उसको लेकर ईस्टर एग हो। और इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि ये क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन का पार्ट नहीं है तो इसी वजह से यहां पर बाल्डर एग्जिस्ट करता है, लोकी नहीं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि 1868 तक ये जगह सीक्रेट टाइमलाइन ही थी, व्हिच आल्सो मींस कि बाल्डर सीक्रेट टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट करता है, बस हमको अभी तक दिखाया नहीं गया। और ये चीज और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है जब लोकी उसको देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। वो कहता है कि बाल्डर को तो किसी ने देखा ही नहीं इतने टाइम, तो प्रोबेबली बाल्डर द ब्रेव को हम आगे एमसीयू में जरूर देखेंगे। इसके बाद ये लोग एक पोस्टर देखते हैं जहां पर विक्टर टाइमली का नाम मेंशन होता है। इसके नीचे कई सारे आर्टिस्ट और भी हैं, जिसमें से एक कार्ल बॉहम है जो कि एक जर्मन म्यूजिशियन थे एक्चुअल रियल लाइफ में भी। लेकिन मजे की बात यह है कि हम लोग 1893 में है और ये म्यूजिशियन पैदा हुए थे 1928 में। और इसके बाद एक काफी बढ़िया सी सीक्वेंस देखने को मिलती है हमको, जिसको देख के क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन की याद आ गई। फाइनली मार्वल जो इतने लंबे टाइम से अपने पोस्ट क्रेडिट सीनों को सेटअप करते आ रहे हैं, उसमें से किसी पे तो डिलीवर किया उन्होंने। मतलब कहानी आगे बढ़ती है, हम लोग विक्टर टाइमली को देखते हैं जो अपनी मशीन को दिखाता है और वो बिल्कुल एज इट इज टेम्पोरल लूम जैसी लग रही है, जो मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी प्रेडिक्ट कर लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, जिस तरह से क्वांटमेनिया में इस पूरे सीन को हमें दिखाया गया था, ये उस तरह से नहीं दिखाया जाता। मतलब जब विक्टर ये बात बोलना शुरू करता है कि टाइम इज एवरीथिंग वाली लाइन, तो क्वांटमेनिया में वो एक फ्लो में दिखाई गई थी, लेकिन यहां पर वो काफी ज्यादा ब्रेक ले लेके बोलता है और हमको ये भी समझ में आ जाता है कि ये जो विक्टर टाइमली है ये नॉर्मल नहीं है। इसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये लोगों से बात करने में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। लेकिन जीनियस लेवल इंटेलेक्ट जरूर है, भले ही उसका इस्तेमाल वो लोगों का चुकंदर काटने में कर रहा है। लेकिन फिर रेवोना वहां मिल जाती है, जिसके पास मिस मिनट्स भी है, और वो वहां पहुंच के उसको एकदम ऐसे रिझाने की कोशिश करती है और वो रिझ भी जाता है। यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज और भी समझ में आई, विक्टर टाइमली जो है वो रेवोना रेंसलेयर से कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शन फील करता है। और फिर जब ये बाहर निकलते तो एक आदमी आता है इसके पास और कहता है कि तुमने मेरे को लंबा करने वाली पैंट दी थी लेकिन ये काम नहीं करती है। तो मुझे, मैं बहुत ज्यादा सोच लेता हूँ चीजों को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं बता देता हूँ। डेयरडेविल का एक विलन था स्टिल्टमैन करके, और वो कुछ कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को लंबा कर लेता था। हु नोज, ये उसके दादा परदादा और पता नहीं परदादा हो, और यहीं से उसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ। इसका मतलब गैंग ने डेयरडेविल के विलन को क्रिएट किया है। बट फिर हमको रेवोना और पोलार्ड के बीच में थोड़ी सी केमिस्ट्री बिल्डअप होते हुए देखती है, क्योंकि लोकी, सिल्वी और इन सबका काट के वहां से निकल जाते हैं। लोकी सिल्वी से पोलार्ड भैया को बचाने की कोशिश करता है, जो कि अपना काम पूरा करने आई है। और जब ये रेवोना के साथ उस शिप पे जाता है तो इसका नाम एसएस हेरॉन दिखाया जाता है। एसएस हेरॉन एक्चुअली में रियल लाइफ में एक स्टीम बोट थी, लेकिन यहां पर उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी गई है। अगेन आई थिंक ये बिकॉज ऑफ द सीक्रेट और ब्रांच टाइमलाइन की वजह से किया होगा। और एक चीज और भी मैंने नोटिस करी कि ये लोग विस्कॉन्सिन की तरफ जा रहे हैं शिकागो से, और विस्कॉन्सिन कॉमिक बुक्स में एक्चुअली विक्टर टाइमली की वही जगह होती है जहां पर वो अपनी टाइमली शहर को बसाता है। अगर आप सोच रहे हो कि टाइमली शहर क्या है और विक्टर टाइमली कॉमिक्स में क्या था, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में बता देता हूं, विक्टर टाइमली कॉमिक बुक्स में कैंग द कॉन्करर खुद ही था, क्योंकि कॉमिक बुक्स में वेरिएंट वाला कॉन्सेप्ट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो विक्टर टाइमली कैंग खुद ब खुद था, जो कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है एवेंजर से हारने के बाद, और टाइमली नाम का एक शहर बसाता है विस्कॉन्सिन में, उसका मेयर बन जाता है और लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से काटता है। लेकिन टाइमली शहर सुमड़ी में क्रोनोपोलिस नाम की उसकी खुद की एक सिटी होती है, जो कि टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर विक्टर टाइमली की जो लैब है वो विस्कॉन्सिन में एक बहुत ही बढ़िया सा ईस्टर एग दिया है। और यहां रास्ते में जब ये लोग चल रहे होते हैं तो हमको एक बात और भी समझ में आती है, विक्टर टाइमली भले ही रेवोना जी को कितना भी पसंद क्यों ना करता हो, उसकी कोर प्रॉब्लम है पार्टनरशिप। वो किसी के भी साथ पार्टनरशिप में ऑपरेट नहीं कर सकता, और इसी वजह से रेवोना के इतने चक्कर में फंसने के बाद भी जैसे ही वो पार्टनरशिप वर्ड सुनता है वो उसको नीचे फेंक देता है। अब ये वैसे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, और अगर आप ऐसे सुनोगे तो सुपरफिशियल निकल जाएगी, लेकिन ये पोलार्ड और जितने भी गैंग्स हैं उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता है, और वो ये है कि लोग पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते, विच इज द रीजन वाई मल्टीवर्सल वॉर वॉज स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि अगर ये लोग मिलजुल के काम कर लेते तो फिर अपनी अपनी टाइमलाइन में खुश रहते, लेकिन क्योंकि ये पार्टनरशिप वाला सौदा नहीं हो रहा है इनसे, तो इस वजह से ये मिले, आपस में लड़े और टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। टाइमली उसको छोड़ के अपनी लैब में पहुंच जाता है,
जहां पर हमको मिस मिनट्स नहीं सिंप मिनट्स देखने को मिलती है। आज के एजेंडा में कहीं पर भी मिस मिनट्स को एक हॉर्नी एआई के फॉर्म में देखना नहीं था। विक्टर टाइमली की लैब जिसमें बहुत सारी घड़ियां होती हैं वहां पे मिस मिनट्स सिंप मिनट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और विक्टर टाइमली के प्यार में पागल है, कन्फेस कर लेती है और कहती है कि तुमने मेरे को बॉडी क्यों नहीं दी। लिटरली ब्लेड रनर 2049 वाले सीन के फॉर्म में एक मैनिक्विन में अपने आप को पहुंचा देती है, लेकिन ये देखकर विक्टर घबरा जाता है और उसको वहीं पे बंद कर देता है। और फिर एंट्री होनी शुरू होती है एक एक कैरेक्टर की। सबसे पहले रेवोना जी आती है जिनके हाथ में प्रूनिंग स्टिक का एक प्रोटोटाइप, लेकिन तभी सिल्वी, मोबियस, लोकी, ये सब के सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। सिल्वी सबको फेंक देती है, लेकिन विक्टर टाइमली को जैसे ही मारने जाती है उसको रियलाइज होता है कि ये किसी और के पापों की सजा उसको देके उससे उसकी खुद की फ्री विल छीन रही है, जो उसका एक्चुअली में जिंदगी का कांसेप्ट है। और फिर लोकी और मोबियस पोलार्ड भैया को लेकर टीवी में चले जाते हैं और रेवोना को सिल्वी पहुंचा देती है सिटाडेल एट द एंड ऑफ द टाइम में। लेकिन यहां पे जो काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है वो ये है कि सिटाडेल पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है, बट उससे भी ज्यादा हम यहां पे पोलार्ड भैया कुर्सी में बैठा हुआ देखते हैं जिनकी बॉडी अब एक्चुअली में डीकंपोज होना स्टार्ट हो गई है, विच मेक्स मी वंडर इसकी बॉडी यहां पे डीकंपोज हो रही है इसका मतलब है कि टाइम तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब ये यहां पे जिंदे थे तो इनकी एजिंग नहीं हो रही थी, जिसका मतलब ये है कि पोलार्ड भैया के मरने के बाद से प्रोबेबली टीवीए में ये जो पूरा टाइम का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करने लगा है, क्योंकि उससे पहले तक टीवीए प्रोबेबली टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती थी। लेकिन फिर वो मिस मिनट्स को जगा देती है और मिस मिनट्स उससे कहती है कि ओके ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे को बताने के लिए एक सीक्रेट है एंड यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। अब देखो इसको लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्योंकि एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गया है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है जो एक्चुअली में काफी वाइल्ड है कि रेवोना रेनस्लेयर जो है वो हमारे पोलार्ड भैया की ही एक वेरिएंट हो, और अगर ऐसा हुआ ना तो फिर लोकी में अपने आप से प्यार करने वाली चीज की तो मिसाल बन जाएगी, क्योंकि दो कैरेक्टर्स हो गए, मतलब चार हो गए। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि हो सकता है रेवोना रेनस्लेयर को ये बताए कि रेवोना और पोलार्ड जो है ये एक रिलेशनशिप में थे, मतलब ही यू रिमेन्स और रेवोना, और जो कुछ भी हुआ मतलब टीवी का क्रिएशन और बाकी सारी चीजें वो इन लोगों ने साथ में मिलकर करी थी, लेकिन फिर हमारे ही हू रिमेन्स ने उसकी मेमोरी वाइप करके उसको टीवी में ही पटक दिया, विच विल प्रॉपरली करस्पॉन्ड विद द ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हमने एपिसोड 1 में सुनी थी, जिसमें ही हू रिमेन्स जो है या फिर उसी का कोई वेरिएंट, मतलब उसी के जैसी आवाज आ रही थी, वो रेवोना को ग्रूम कर रहा है। तो यहां पे ये एपिसोड खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद भी काफी सारे सवाल हमारे मन में रह गए कि क्या ये वाला विक्टर टाइमली जो हमने देखा है यही आगे जाके ही हू रिमेन्स बनेगा, क्या इसका मतलब यह है कि ही हू रिमेन्स ने ही हू रिमेन्स को क्रिएट किया है। और सोचने वाली बात नहीं है कि टीवी को एक वो डिवाइस जिसकी जरूरत है टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए वो इस वेरिएंट ने क्रिएट किया है। लेकिन ये सारी चीजों के जवाब हमको अगले एपिसोड में मिलेंगे और उसके लिए हमको एक हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, होता तो नहीं है लेकिन फिर भी करेंगे। दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ अपने ओपिनियंस, थॉट्स और थ्योरीज जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं देखना चाहूंगा, और अगर कुछ होगा तो हम उस पर अलग से बात करेंगे। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और हमेशा सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख लिया कि गोल भी है। तुम यहाँ अकेले अंधेरे में क्या कर रहे हो? मैं वो वाली फिल्म देख रहा था।